बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री हसीन द्रबू को कैबिनेट से बर्खास्त किया जाएगा। ये बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक पीडीपी ने राज्यपाल एलएन वोहरा को चिट्ठी लिखकर हसीन द्रबू को कैबिनेट से बाहर करने का फैसला किया है। हसीन द्रबू ने कहा है कि कश्मीर राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा है। पीडीपी इस बात से नाराज है कि पार्टी लाइन से अलग जाकर पार्टी लाइन से इतर यह बयान दे दिया गया उनकी तरफ से। उनके इस बयान पर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती बेहद नाराज हैं। कई बयान पीडीपी की तरफ से आ रहे हैं कि इस तरह का जो बयान दिया गया है, पार्टी उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है। हमारे साथ खालिद हुसैन जी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद, जो कहा उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी मेरे ख्याल से उनको। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से पीडीपी ने टफ स्टैंड लेते हुए जो अजीत द्रबू ने रिमार्क बोला था कि कश्मीर इज नॉट ए पॉलिटिकल इशू, उस मामले पे बहुत खिंचाई हुई थी पीडीपी की। राज्य के सतर पर अगर खासकर कश्मीर की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल इनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये अपने लाइन से अब हट रहे हैं। वही कई तरह से विरोध दिख रहा था पीडीपी को, और अपनी जो उनका स्टैंड था जम्मू कश्मीर में उससे वो कहीं बाहर जाके द्रबू ने ये स्टेटमेंट दिया था। तो आज सख्त स्टैंड लेते हुए उन्हें ये फैसला किया कि उन्हें कैबिनेट से ड्रॉप कर दिया जाएगा। कल ही जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं सरताज मद्दी, उन्होंने उन्हें बताया था कि अपनी स्थिति साफ करें, और उसके बाद आज ये फैसला लिया गया है। और राज्यपाल को इस फैसले के बारे में इत्तला कर दी गई है कि जो हसीब द्रबू है जो वित्त मंत्री थे जम्मू कश्मीर के, उन्हें कैबिनेट से ड्रॉप कर दिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका खालिद, पूरी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री जम्मू कश्मीर सरकार में पीडीपी के विधायक है, पीडीपी की तरफ से मंत्री है, उनकी तरफ से ये सच दरअसल कश्मीर का बताया गया था कि कोई राजनीतिक समस्या नहीं है कश्मीर, सिर्फ सामाजिक समस्या है। कोई कॉन्फ्लिक्ट स्टेट नहीं है कश्मीर, ये सिर्फ कुछ मुद्दे हैं और सामाजिक मुद्दा है जिसका अंदर ही बातचीत के जरिए हल निकाला जा सकता है। लेकिन वहां की जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं वो इसे राजनीतिक मुद्दा मानती हैं और वो उनके वोट बैंक का हिस्सा भी है। इसी वजह से अब कार्रवाई की जा रही है पीडीपी के मंत्री के खिलाफ।